दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीवो वाई 66 के बारे में, और ये जो है वीवो का वाई 66 और इसमें जो प्रॉब्लम है, ये जो तीनों बटन है काम नहीं कर रहा है। मैं आपको कोई भी बटन प्रेस करके दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों ये जो है काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो? दोस्तों मैं हमेशा हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि मैं एक साधारण यूजर के लिए वीडियो बनाता हूँ, अगर उसका कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मतलब वो जो है उस मोबाइल को घर में कैसे ठीक कर सकता है उसके बारे में बताता हूँ। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं इस चैनल में हमेशा एक साधारण यूजर के लिए वीडियो लाता रहता हूं। आप जो है कैसे घर में ठीक कर सकते हो उसके बारे में मैं बताता रहता हूं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको घर में कैसे ठीक कर सकते हो, किसी रिपेयरिंग शॉप लेके जाने का जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों आपको तो ये अगर वो पीडीए टूट गया है या तो बैक बटन जो है काम नहीं कर रहा है तो आपको रिपेयर तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा जब तक इस मोबाइल को आप रिपेयरिंग नहीं करते हो तब तक आप इस मोबाइल को चला सकते हो। मैं चलाने का तरीका भी बता दूंगा और आप इस मोबाइल को बिना रिपेयरिंग शॉप लेके जाके आप इसको चला भी सकते हो अगर आपका ये नीचे का तीनों बटन काम नहीं कर रहा है। कैसे? वीडियो में आगे बने रहो, वीडियो को आखिरी तक देखो तभी आपको पता भी चल जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए अगर आपका वीवो का वाई 66 है या तो वीवो का या तो रेडमी का कोई भी मॉडल है जिसमें कि ऊपर और नीचे बड़ा बड़ा चिन्ह है और ये जो बैक बटन है वो नीचे का चिन्ह में रखा हुआ है, अगर ऐसा वाला मोबाइल है और आपका जो है ये तीनों बटन काम नहीं कर रहा है तो आप इसको काम चला सकते हो। ऐसे नहीं कि कुछ जादू कर सकते हो, आप इसको काम चला सकते हो जब तक कि अगर आपका पीडीए टूट गया है या तो अचानक जो है तीनों बटन काम नहीं कर रहा है, जब तक इसको रिपेयर नहीं करा लेते हो, पीडीए चेंज नहीं करा लेते हो तब तक आप इसको काम चला सकते हो। कैसे? ये जो है एक मास्टर ट्रिक है, अगर आप इसको करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, किसी भी पैसा खर्चा नहीं होगा, किसी भी रिपेयरिंग शॉप जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, मैं आपको वो ऐप दिखाता हूँ। देखिए सॉफ्ट की होम बटन बल्कि ऐसा एक ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो इसके ऊपर ओनली क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। ये आ चुका है और इसके अंदर आपको ये वाला न्यू टिक कर देना है, न्यू आइकन पे टिक कर देना है और चेंज लोकेशन इसको आप मतलब प्रेस कर सकते हो, क्योंकि इसका जो काम है आप इसको बैग जो बटन है इसको प्रेस करके इधर साइड उधर साइड ले सकते हो। मैं कैसे मैं बताता हूँ। तो फिर इसको ऑन कैसे कर सकते हो, इसको ये न्यू आइकन पे क्लिक कर देना है और इसका जो साइज है आप जो ये बैक बटन का साइज है आप कैसे भी रख सकते हो, कितना भी रख सकते हो, इसको पतला भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सेटिंग का आइकन में जाना है और इधर जो है होम बटन सब की को इसको ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन कर दोगे इधर जो है नीचे आपका ऑप्शन आ जाएगा और आराम से आपका जो है बैक बटन और होम बटन और रिसेंट बटन जो है काम करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। दूसरा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। और ये जो इसको प्रेस करके आप दूसरा जगह भी ले सकते हो, देखिए इधर जो है ले सकते हो, देखिए इसको मैं इधर कर सकता हूँ या तो कहीं पे भी कर सकता हूँ, देखिए नीचे फिर आ गया। तो आप ऊपर नीचे, अगर आपका नीचे ये सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो आप इसको ऊपर भी ले सकते हो या तो साइड में भी ले सकते हो दोस्तों। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है और ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।